तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण न सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर, गुरु तग अदी ते सुभाईमान, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ वडभागे हो, जो शहीदां दे सिरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जीआं दे शहीदी दिहाड़ी नूं समर्पित चल रहे सामां दी दीवानां दे विच हाजरियां भर के श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप दे नाल जुड़ करके आप सरबत संगतां ने लाहा प्राप्त कीता है। सतगुरु साहिब महाराज जीआं दे कृपा सदका चल रही श्री सुखमनी साहिब जी दी लड़ीवार कथा विचार दा समा होया है, जिस दे विच असी दो पौड़ियां दी विचार पहला सरवण कर चुके हाँ। तीसरी पौड़ी दे विच धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते हैं, प्रभ कै सिमरन रिध सिद्ध नौ निध। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते हैं कि परमात्मा दे सिमरन दे नाल, परमात्मा दी बंदगी दे नाल जिन्नियां भी रिद्धियां सिद्धियां इत्यादिक मनियां गईयां हन वह सुते सिद्ध जीव दे पास आ जांदियां हन, क्योंकि रिद्ध सिद्ध नावै की दासी। ये जिन्नियां भी सिद्धियां रिद्धियां इत्यादिक मनियां गईयां हन, नौ निधियां अठारह सिद्धियां इत्यादिक, कहिंदे इह परमात्मा दे जिहड़े सिमरन करदे हन परमात्मा दी बंदगी करदे हन उहनां दीआं दासी बन के सेवा करदीआं हन, पाव उहनां घरां दे विच रिद्धियां सिद्धियां दी कोई घाट नहीं रहिंदी, हमेशा उहनां दा घर बरकतां दे नाल भरिया रहिंदा है। जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन करदे हन परमात्मा दी बंदगी करदे हन, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध ते परमात्मा दे सिमरन दे नाल कहिंदे अकाल पुरख परमात्मा दा ज्ञान किवें सुरती नूं अकाल पुरख परमात्मा दे ध्यान दे विच टिकाउणा है, तत् आखदे हन। श्रेष्ठ मत नूं धारण करन वाली जिहड़ी बुद्ध है ना उस दी प्राप्ति हो जाती है, पाव तत् बुद्ध तो पाव के तत् नूं ग्रहण करन वाली कि केड़ी चीज़ ठीक है केड़ी चीज़ गलत है। जो तत् बुद्धि है तत् बेतियां वाली बुद्धि है रब दे प्यारियां वाली बुद्धि है ना उस दी प्राप्ति हो जाती है अकाल पुरख परमात्मा दे सिमरन करन दे नाल। ते जदों असीं विद्यालय दे विच पढ़दे सी ना जिहड़े विद्यार्थी पढ़न दे विच थोड़े कमज़ोर होया करदे सन, जिन्हां दी बुद्धि घट कम करदी सी ना, ते साडे उस्ताद जी आख्या करदे सन कि वध तों वध इन्हां दो पंक्तियां दा जाप करिया करो, इहदे नाल की होवेगा घर दे विच बरकतां वी पैणगियां ते तत् बुद्धि दी भाव श्रेष्ठ बुद्धि दी प्राप्ति होवेगी। प्रभ कै सिमरन रिध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। तत् नूं जानण वाली ज्ञान नूं जानण वाली जिहड़ी बुद्धि है उस दी प्राप्ति हुंदी है परमात्मा दा सिमरन करन दे नाल। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा ते कहिंदे परमात्मा दे सिमरन करन दे नाल
जप करना, तप करना, पूजा करनी, इनू करन दे नाल जिन्ने भी फल मिलते हैं कहिंदे वो सारे फल परमात्मा दे सिमरन दे विच हन। अथवा प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, कहिंदे जिन्हां ने परमात्मा दा सिमरन कीता है, परमात्मा दी बंदगी कीती, जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन, उहनां दा कीता होया जप, उहनां दा कीता होया तप, उहनां दी कीती होई जिहड़ी पूजा है वह भी सफल हो जाती है। पर जे परमात्मा दा सिमरन नहीं ते जिन्ने मर्जी कर्म कांड कर लैणा करो, उहनां दे विच बरकत नहीं पवेगी। क्योंकि कलयुग दे विच सतगुर साहिब महाराज जीआं ने सब तो श्रोमणी अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन दसिया है, ते सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस बाणी दा असी पाठ करदे हाँ श्री सुखमनी साहिब, इहदे विच देख लैणा करो सतगुर साहिब महाराज जीआं ने परमात्मा दे नामां दा ही वर्णन कीता है, परमात्मा दे नाम दी वडियाई ही कीती है। क्योंकि जिथे अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन आ जाए, सब तो श्रोमणी परमात्मा का नाम है, परमात्मा का सिमरन है। क्योंकि कलयुग दे विच परमात्मा के नाम नू ही प्रधानता मिली है, पढ़ते हैं ना अब कलु आयो रे एक नाम बोभ हो अन रुत नाही नाही मत भरम भुल हो। क्योंकि कलयुग का समा है, तो देख लेना करो जेड़ा समा होवे ना समय के मुताबक ही असी कोई फसल बीज सकते हाँ। क्योंकि देख लेना करो जिस फसल का समा होवे असी उस फसल में बीजांगे, समय के मुताबक कोई भी फसल है वो समय के मुताबक बीजी जाती है। हुण देख लेना करो असी समय के मुताबक कपड़े भी पाउने हाँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड होवे ते असी पतले कपड़िया नू शरीर ते धारण करांगे, समय दे अनुसार असी देखते हाँ कि की जरूरी है। ते कलयुग दे विच सतगुरु साहिब महाराज जीआं ने कलयुग दे भयानक समय दे विच अकाल पुरख परमात्मा दा नाम ही श्रोमणी मन्निया है। अकाल पुरख परमात्मा दे नाम जपण दा समा है ये जिहड़ा कलयुग दा समा है, ते सतगुरु साहिब महाराज जी कृपा करते हैं कि भाई जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करते हैं, समझ लेना करो उन्होंने जप तप पूजा इत्यादिक कर्म भी कर लेना कीते। प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, ते परमात्मा दे सिमरन करन दे नाल बिनसै दूजा, दूजा आखते हैं जिहड़ी हिरदे विच द्वैत भावना है वह भी बिनसे तो भाव के नास हो जाती है, द्वैत भावना हिरदे विचों खत्म हो जाती है। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, देख लेना करो सिमरन दे विच कितनियां बरकतां हन, परमात्मा दे नाम दे विच बाणी दे विच कितनियां बरकतां हन। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, कहिंदे जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन उहनां नूं घर विच बैठियां ही तीर्थां दे इशनान दा फल प्राप्त हो जांदा है, उहनां नूं तीर्थां दे जाण दी भी लोड़ नहीं पैंदी जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन। क्योंकि गुरबाणी विच साहिबां दे बचन हन, तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है, सब तो वड्डा तीर्थ है अकाल पुरख परमात्मा दा नाम, सत संगत भी एक तीर्थ है जिथे अकाल पुरख परमात्मा दे नाम रूपी जल की वर्खा होंदी है, ये भी तो तीर्थ है। ते सतगुरु साहिब महाराज जीआं ने गुरबाणी दे विच दर्ज कर देना कीता कि सब तो श्रोमणी अकाल पुरख परमात्मा दा नाम है, जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन तीर्थ इशनानी, उहनां नूं तीर्थां ते जा के इशनान करन दा जो फल है वह घर दे विच बैठियां सुते सिद्ध प्राप्त हो जाता है। प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, ते जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन कहिंदे उन्हां दी परमात्मा दी दरगाह दे विच भी मन्नी जांदी है, भाव उन्हां दी इज्जत हुंदी है, अकाल पुरख परमात्मा दी दरगाह दे विच उन्हां दी बहुत ज़्यादा माण इज्जत वडियाई हुंदी है। इत्थों तक असीं गुरबाणी विच पढ़दे हाँ उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मिटण हारा,
भगत प्रहलाद जी का जीवन पढ़ते हाँ, भगत ध्रुव जी का जीवन पढ़ते हाँ, देखो किन्ने युग पहला होए हैं, सतयुग के विच होए हैं, पर अज भी उन्हां दी वड़ियाई कायम है। अज भी लोग उन्हां नूं याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का सिमरन किया। ते दोवां लोकां दे विच, लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी उन्हां दी वड़ियाई हुंदी है। उन्हां दी गल नूं मन्निया जांदा है जिहड़े अकाल पुरख परमात्मा दा सिमरन करदे हन। प्रभ कै सिमरन होए सो भला। सतगुर साहिब महाराज जी कृपा करदे हन कि भाई परमात्मा दा सिमरन करन दे नाल जो कुछ भी हुंदा है वह भला ही हुंदा है। भाव जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन उन्हां दे जीवन दे विच जो कुछ भी हुंदा भला तो पाप के चंगा ही हुंदा है। माड़ा उन्हां दे जीवन दे विच कुछ वापरदा नहीं। अथवा प्रभ कै सिमरन होए सो भला। कहिंदे जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन अकाल पुरख परमात्मा उन्हां नूं ऐसी दात बख्शदा है कि जो कुछ भी उन्हां दे जीवन दे विच होवे भावें दुख आवे भावें सुख आवे वह सदा भला करके जानते हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा जे मेरा जीवन दे विच दुख आया एदे विच भी मेरा भला होवेगा, जे सुख है एदे विच भी मेरा भला होवेगा। भाव कदी भी परमात्मा दे नाल नाराज़ नहीं हुंदे, मन दे विच कोई गिला नहीं कोई सिकवा नहीं, वो भला करके मनते हैं। जे दुख आया फिर भी भला, जे सुख आया फिर भी भला करके मनते हैं। तो धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी जिन्हां दे जीवन दे विच तीन भब्बियां दी बड़ी अहमियत सी, भला जी भाणा जी ते भुल गए जी। तीन भब्बे उन्होंने अपने जीवन दे विच अपनाए सन। भला जी जो कुछ भी होया भावें जीवन दे विच दुख आवे फिर भी भला जी। हर गल दे विच अकाल पुरख परमात्मा दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया। जे कोई गलती हो जावे भुल गए जी, क्योंकि गलती नूं मन लैणा भी बहुत वड्डा गुण है। ते जिहड़े गलती करन तों बाद अपनी गलती नूं मनदे नहीं देख लैणा करो, कई बार बड़ा कलेश कई बार बहुत झगड़ा भी हो जाता है। ते सतगुरु साहिब महाराज जी कृपा करदे हन प्रभ कै सिमरन होए सो भला। जिहड़े परमात्मा दा सिमरन करदे हन अकाल पुरख परमात्मा उन्हां नूं ऐसी दात बख्शदा है उन्हां दे जीवन दे विच दुख आवे सुख आवे जैसी मर्दी स्थिति बन जाना करे वो भला करके मनदे हन। प्रभ कै सिमरन सुफल फला। ते परमात्मा दे सिमरन दे नाल कहिंदे जिहड़े जीव हन वह सुंदर फलां दे नाल फलीभूत हो जाते हैं। उन्हां दे जीवन दे विच जो ज्ञान रूपी श्रेष्ठ फल है वह फलीभूत हुंदा है। से सिमरै जिन्हें आप सिमराए। तो धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते हैं कि कभी ये ना आखियो कि मैं नाम जपदा हाँ, मैं गुरबाणी के बड़े पाठ करदा हाँ, मैं सतसंगत विच आउंदा हाँ। कहिंदे कभी इस गल का हंकार नहीं करना चाहिदा। से सिमरै जिन्हें आप सिमराए। कहिंदे ओही अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करते हैं जिन्हां दे कोलों अकाल पुरख परमात्मा आप करवाउंदा है। ये कहनी कि बनारस के बेच आप जी जितने भी जुड़ बैठे हो इतने ही परिवार हैं, नहीं हजारां की गिनती दे बेच लोग अपने घरां दे बेच भी बैठे हैं जिन्हां नूं अकाल पुरख परमात्मा ने अजे बुलावा नहीं भेजिया। तो अकाल पुरख परमात्मा के बुलावे तो बिना वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि से सिमरै सुखमनी साहब जी के पाठ भी ओही आण के कर सकते हैं, शहीदी गुरपुरबां दे विच आण के हाजरी भी ओही लवा सकते हैं जिन्हां दे उपर गुरु की कृपा होवे, क्योंकि ओही अकाल पुरख परमात्मा का सिमरन करते हैं जिन्हां दे उपर अकाल पुरख परमात्मा की कृपा हुंदी है। पढ़ते हैं ना वड भागी हर संगत पावहे, भागहीन ब्रह्म चोटा खावहे, विण भागा सत संग न लभै, विण संगत मैल भरीजै जीओ। अजे उन्हां दे भाग नहीं जागे जेड़े सत संगत विच नहीं आए। ते जिन्हां दे वड्डे भाग हन
ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ, ਪਾਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੈਰ। ਭਾਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਣਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ।